वोक्सवैगन ने अपना नया सेडान दिखाया है इंडियन मार्केट के लिए, जिसका नाम है वर्टुस। वर्टुस रिप्लेस कर रहा है वेंटो को इंडियन मार्केट में और इसका लॉन्च होने वाला है मई। आज इसका प्री बुकिंग शुरू हो चुका है। वर्टुस एक काफ़ी लंबा सेडान है। वोक्सवैगन कह रहा है कि इट इज़ द लॉन्गेस्ट सेडान इन इट्स क्लास और इसका बूट कैपेसिटी भी काफ़ी हाई है एट 521 लीटर्स। आपको दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं वर्टुस में, एक लीटर का 1.0 TSI टर्बो पेट्रोल जिसमें लगभग 115 BHP है। इसमें आपको टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक और एक मैनुअल मिलता है। 1.5 TSI है वो टॉप एंड वेरिएंट में, जिसमें आपको 150 BHP मिलता है और उसमें एक DSG और एक स्टैंडर्ड मैनुअल मिलता है। तो एक GT वेरिएंट है वो टॉप एंड वर्टुस में आता है, वो 1.5 TSI के साथ आएगा। उसमें ज़्यादा स्पोर्टीनेस है, जो रेड वाली कार आप देख रहे हैं उसमें एक रियर स्पॉयलर है, स्पेशल ब्लैक अलॉय व्हील्स है, इंटीरियर भी ज़्यादा स्पोर्टी है। तो एक स्पोर्टी टच है जो ऑब्वियसली दूसरे वोक्सवैगन कार्स में भी आता है। बट उसके इंटीरियर जो अगर आप देखेंगे डिज़ाइन वाइज, तो GT वेरिएंट है उसमें ज़्यादा स्पोर्टीनेस है, मगर फीचर्स के मामले में वोक्सवैगन काफ़ी सारे फीचर्स दिया है, लाइक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टच स्क्रीन, कनेक्टेड कार टेक, वेंटिलेटेड फ्रंट लेदर सीट्स, आपको एक सनरूफ मिलता है, टच क्लाइमेट कंट्रोल्स, 6 एयरबैग्स, LED हेडलैम्प्स, आपको सारे सेफ्टी फीचर्स। सो यू गेट द होल बेसिक प्रीमियम फीचर जो आप एक्सपेक्ट करते हैं एक प्रीमियम सेडान से। इसका लॉन्च होने वाला है मई में और प्राइसिंग के मामले में हम एक्सपेक्ट करें कि वोक्सवैगन इसको अग्रेसिवली प्राइस करे, क्योंकि इसका लोकलाइजेशन हाई है। वोक्सवैगन वर्टुस को इंडियन मार्केट के लिए बनाया है, हमारे टेस्ट के लिए। तो सेडान में ये टक्कर देगी होंडा सिटी को, स्कोडा की स्लाविया और हुंडई की वर्ना और कुछ हद तक मारुति सियाज टॉप एंड वेरियंट में।